तो आज हम वो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखेंगे जो आपको 30 जुलाई को रिज़ल्ट आने के बाद नीट काउंसलिंग का अपलोड करने होंगे ऑनलाइन ही। जो ये अपलोड वाला सिस्टम इसी साल से शुरू हुआ है, आज तक पहले आज से पहले कभी भी ये सिस्टम नहीं था। तो चलिए देखते हैं वो लिस्ट। तो फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो एक एक जो डेफिनेट साइज़ एंड फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर आपके पास खुद के पास लैपटॉप है तो आप खुद अपने लैपटॉप से एक इमेज एडिटर, बेसिक इमेज एडिटर होता है, उससे इसका फॉर्मेट और साइज़ डिसाइड कर सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी ई मित्र या फोटोस्टेट की दुकान से इससे करवा सकते हैं। तो ये पहला जो है वो पासपोर्ट फ़ोटो है, जो लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड, 80% फेस कवरेज, ईयर्स क्लियर विजिबल ऑन वाइट बैकग्राउंड, और साइज़ आपको देख लेना। और फिर सेकंड जो है वो एक पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो, जो कि बड़ा होगा साइज़ में, बेसिक सी बात है। तो ये भी मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर सितंबर 1, 2021, प्रेफर विद नेम एंड डेट ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ शुड नॉट बी कैप और गूगल्स 80, मतलब आपको चश्मा नहीं पहने होने चाहिए, कोई भी कैप नहीं होना चाहिए, और 80% फेस कवरेज, ईयर्स क्लियर विजिबल, वही। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है सिग्नेचर। आपको एक अपना सिग्नेचर एक साइन करके ब्लैक पेन से वाइट पेपर पे आपको अपलोड करना है, और कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। और उसके बाद है एक लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, जो कि आपका लेफ़्ट हैंड का थंब है उसका, अगर आपको एक इसे छाप सा लगाना है। उसके बाद जो पांचवी चीज़ है वो है क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट, जिस साल में आपने 10th पास किया उसका वही सर्टिफिकेट। उसके बाद एक कास्ट सर्टिफिकेट, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका एक कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और अगर आप ये कोई स्पेशल केस में, ये दोनों PWBD सर्टिफिकेट एंड सिटीजनशिप या एम्बेसी सर्टिफिकेट। तो ये थी पूरी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको अपलोड करने हैं 30 जुलाई को ऑनलाइन। और एक प्रोसेस का भी वीडियो मैं बनाऊंगा कि आपको कैसे अपलोड करने हैं और कहाँ अपलोड करने हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स। तो स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट टाइम।